नमस्कार, स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिछले 3 सालों में रवि बसरूर जो है बहुत ही मसरूफ रहे हैं काम करने में, क्योंकि वो केजीएफ का संगीत दे रहे हैं। केजीएफ का संगीत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 400 अलग अलग म्यूज़िक आर्टिस्ट पूरी दुनिया भर में फैले हुए, 20 साउंड प्रोड्यूसर, तमाम जो है गानों के अलावा ऑर्केस्ट्रल स्कोर, बैकग्राउंड स्कोर, तमाम चीज़ें जो है करने के बाद आदमी थक सा जाता है। और वैसे भी जनता जो है उसके बीच में क्यूरियोसिटी बहुत हाई है कि गीत किस प्रकार के होंगे। रवि तो कहते हैं कि उन्हें तो दिन और रात का फर्क भी नहीं पता चलता है अब, क्योंकि जब उठते हैं तब काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने अभी तक 3 गाने कंपोज किए हैं और वो अभी तक सोच रहे हैं कि 4th गाना इस फिल्म में इंक्लूड किया जाए कि नहीं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यदि KGF उनके जीवन का आखिरी एल्बम होता है तो भी वो संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का काम किया। वो उन्होंने कहा कि एक बीटल पियानो उन्होंने खरीदा था करीब 3 साल पहले। वो कहा वो हर एक गीत जो इस फिल्म का कंपोज हुआ है, हर एक म्यूजिक जो कंपोज हुई है वो उसी पियानो पर हुई है। कुछ अलग हटके करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा कि मैं हॉलीवुड के लेवल की जो है साउंड रिकॉर्डिंग और ये तमाम चीज़ें करना चाह रहा था कि जो डिटेलिंग होती है साउंड में वो हॉलीवुड के जैसी है। उन्होंने कहा मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, लेकिन हॉलीवुड टेक्नीशियन, साउंड प्रोड्यूसर, इन लोगों से बात करने में फिर भी मैं सक्षम हो पाया। मैं तो सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर के साथ ही मिलकर काम कर रहा था कि हम तीनों के आइडिया सिंक में रहें, जो कंपोज हो रहा है, जो कैमरा मूवमेंट है उसके हिसाब से संगीत कंपोज हो। उन्होंने कहा कि साउंड डिजाइन किसी फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे वो खुद एक स्कल्पचर्स की फैमिली से हैं, संगीत से कोई लेना देना नहीं। 1999 में जब वो बेंगलुरु प्रथम बार आए तो उनके हाथ में कीबोर्ड था। जब पहुंचे वो अलग अलग संगीतकारों के पास तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये बोला सबने कीबोर्ड लेके घूम रहे हो, कीबोर्ड पे तब संगीत ही नहीं होता, कंप्यूटर पे होता। फिर रवि ने किसी तरह से जो है कुछ पैसे जमा करके कंप्यूटर खरीद। फिर एक समय ऐसा आया कि काम नहीं था, उन्हें ऐसा मन कर रहा था कि वो अब जीवन का अंत कर ले। उसके बाद एक ज्वेलर था एवेन्यू रोड पे जहाँ पर उनका दोस्त लेके गया। उस ज्वेलर ने उनका चेहरा देख करके कहा कि तुम्हारा भविष्य अच्छा है, चिंता मत करो। हालांकि उस समय खाने के भी पैसे नहीं थे, तो उसी ज्वेलर ने जो है 35,000 रुपये दिए कि लो नया कीबोर्ड खरीदो जा करके और उससे संगीत जो है प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो है उन्होंने अपना नाम किरण से रवि किया, और बसरूर जो है ये इनके गांव का नाम है जो इन्होंने अपने नाम में लगाया, और इनका नाम बन गया रवि बसरूर। वैसे रवि जो है अभी तक जो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह देखने मिली है टीजर ट्रेलर वगैरह में, ये मुझे अच्छी लगी है। जो अपील होनी चाहिए एक साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर वो भी अच्छी है। एलिमेंट्स का जो पूरा खनकना है, जो पूरा माहौल जो क्रिएट हो रहा है साउंड से, वो बहुत ही अच्छा है। कि कई बार क्या होता है आपको पता नहीं चलता है, अगर आप एक सीन देख रहे हैं और पीछे से एक हमिंग की आवाज़ आ रही है जो कि ऐसा लग रहा है कि जो रियल वर्ल्ड में जैसे दूर से गाड़ियां गुजरती हैं और एक हमिंग हो रही है, वो भी साउंड डिज़ाइन का ही पार्ट है। उस पर भी संगीतकार जो है उसी तरह काम करता है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक पे। इन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे, इस फिल्म में जो डिटेलिंग है उसको जब देखेंगे, तो आप रवि के सच में मुरीद हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे। अब जहाँ तक सवाल उठता है कि KGF का जो गाना, KGF का गाना जल्दी ही आने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से सप्ताह एक में आ जाना चाहिए। मैं और डिटेल्स आपको बताऊंगा KGF के गानों के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद हम KGF पर अपनी बातचीत जारी रखें।